तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से की जयललिता को भारत रत्न देने की मांग। पनीर सेल्वम कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव। 15 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी प्रतिमा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के करीबी एमएलसी संतोष यादव के दफ्तर पर आईटी की रेड। 200 करोड़ की संपत्ति होने की सूचना पर छापेमारी। अपना ग्रुप नाम की कंपनी चलाते हैं संतोष यादव। काले धन के एक और तहखाने पर छापा। कर्नाटक के हुबली में हवाला ऑपरेटर के पास से मिले 5,70,00,000 के 2,000 के नए नोट। तो अहमदाबाद में 21,00,000 के नए नोट बरामद। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी के विरोधियों पर तीर। कहा, लोकसभा में बोलने नहीं देते इसलिए जनसभा को चुना। राजनीति से बड़ी राष्ट्रनीति, दल से ऊपर देश। पीएम मोदी को विपक्ष का जवाब। कांग्रेस बोली, संसद में हमारे सवालों का जवाब दें प्रधानमंत्री। ममता ने कहा, नोटबंदी पर भाषण देना हल नहीं। गुजरात के बनासकांठा में सियासी रैली के बाद पीएम मोदी ने गांधीनगर में मां से की मुलाकात। घर पर खाया मां के हाथ का बना खाना। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी समेत सभी आरोपी 14 दिसंबर तक सीबीआई की रिमांड पर। 452 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। और मुंबई टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली ने जड़ा शतक। टेस्ट क्रिकेट में 15वां शतक। टेस्ट क्रिकेट में ही 4,000 रन भी किए पूरे। तीसरे दिन भारत के 7 विकेट पर 451 रन। और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जन महोत्सव में 1,00,000 से ज्यादा लोग शामिल। ब्रह्म सरोवर में दीपदान के बाद होगा गीता के श्लोकों का पाठ।